एजेंसी के अंदर एक होंगे लीगल माइग्रेंट और होंगे इलीगल माइग्रेंट। लीगल माइग्रेंट में ये आते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो यहाँ पर आएंगे। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम को तो चांस ही नहीं है, रिफ्यूजी बनेंगे, यहाँ तो कहीं भेजा जाएगा या फिर इन्हें रखा जाएगा अलग से। नॉन मुस्लिम में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको खुद को रिफ्यूजी प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। आपको सीए धीरे धीरे मिलेगा, मतलब आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, खुद को रिफ्यूजी कौन प्रूफ करना चाहेगा, अपने देश में रहकर कौन कहेगा कि हाँ ठीक है क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं अपना रिफ्यूजी मानता हूँ। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी ने कोई क्राइम नहीं करा लेकिन बचने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं था तो मुझे सजा मत दो। यूजुअली होता है, हमने फिल्में देखी है, हम अपने आप को पहले बनाए कि हाँ हम गलत है, उसके बाद हमें दे दो सिटीजनशिप। किस बेसिस पर खुद को कोई प्रूफ करना चाहता है? तो आपको लगता है कि हिंदुओं को भी रिफ्यूजी होना पड़ेगा? होना पड़ेगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स, ये जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे ना यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स, ना आधार एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना पासपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ड्राइविंग लाइसेंस, जिनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स है, पुराने इन द सेंस लैंड के। अब लैंड के हर किसी के पास नहीं है। एक औरत है, शादी करती है, कहीं और चली जाती है, उसके नाम पे कुछ भी नहीं होता, उसका क्या होगा? असम में अभी आया है कि एक लेडी है, उसके दो बच्चे हैं, जो रिपोर्ट आई है एनआरसी की, उस लिस्ट में उसकी बच्चियों के नाम नहीं है और उस लेडी का नाम है, उन बच्चियों के नाम पे क्या होगा? गेटिंग इट? तो ये बहुत बड़ा झोल है, बहुत घपला है, और ये सारा घपला इसका है, मनी का। सबसे ज्यादा बड़ा घपला मनी का है। आपका नाम? आरती। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।